नमस्कार, अब हम लोग न्यूट्रिशनल एनीमिया की बात करेंगे और इसमें खास तौर पर आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया की बात करेंगे। आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया होने पर क्या क्या समस्याएं डेवलप होती हैं, उन सारी चीजों को फोकस करने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हमारा टारगेट है न्यूट्रिशनल एनीमिया के बारे में बात करने का। इसमें हम आयरन डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी, वाइटामिन B12 डिफिशियंसी और प्रोटीन डिफिशियंसी, इतने सारे एनीमिया की बात करते हैं दुनिया के लेवल पर, या फिर यूं कहें फीमेल में एक बड़ी समस्या है डेवलपिंग कंट्रीज में न्यूट्रिशनल एनीमिया की, और उसका बड़ा कारण आयरन का डिफिशियंट होना माना गया है। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया जो कि वर्ल्ड वाइड देखा जाए सबसे ज्यादा किसकी वजह से होता है, आयरन डिफिशियंसी की वजह से होता है। इंडिया में भी यही कारण है, दुनिया में भी यही कारण है, आयरन की कमी। हालांकि और भी बहुत सारी कमियां हो सकती हैं, लेकिन आयरन की कमी से सबसे ज्यादा होता है। और कौन कौन सी कमियां हो सकती हैं वो भी मैंने आपको बताया। इसमें प्रेजेंटेशन क्या मिलेगा, फटिगेबिलिटी, इरेटेबिलिटी की प्रेजेंटेशन के साथ पेशेंट आते हैं। अगर WHO की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कितने सारे स्टेजेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा समझना जरूरी है। इसमें प्री लैटेंट, लैटेंट और आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, तो इसमें प्री लैटेंट और लैटेंट के बारे में पहले बात करेंगे। प्री लैटेंट में क्या होता है, आयरन का स्टोर रिड्यूस होता है और विदाउट रिड्यूस्ड सीरम आयरन लेवल, यानी सीरम में आयरन की कमी नहीं है लेकिन आयरन का स्टोर कम हो रहा है। इसमें हीमोग्लोबिन, MCV या फिर ट्रांसफेरिन सैचुरेशन, ये सारी चीजें नॉर्मल होंगी, लेकिन आप बाकी सारी चीजों पर देखेंगे जैसे आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, सीरम फेरेटिन का लेवल या मैरो में आयरन ये रिड्यूस हो जाते हैं। अभी कोई क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं आएगा। और लैटेंट में क्या होता है, लैटेंट में आप देखेंगे कि आयरन का स्टोर एग्जॉस्ट हो चुका होगा, पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुका, लेकिन ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल बना रहेगा और इंडेक्स ऑफ ब्लड विद इन द स्टैंडर्ड मेंटेन रहेंगे। लेकिन क्लिनिकल पिक्चर जो हमें मिलता है वो सिड्रोपेनिक सिंड्रोम का मिलेगा। आयरन डिफिशियंसी में जब ये पहुंच जाएगा तो उसके बाद हमें एनीमिया के प्रॉपर वो मिलेंगे। तो ब्लड में हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन लोअर लिमिट ऑफ नॉर्मल, इसके बाद आएगा, लैटेंट के बाद आएगा। तो लैटेंट को हम कहते हैं आयरन डिफिशियंसी विदाउट एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल रहता है। और ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सिड्रोपेनिक सिंड्रोम यहां पर होगा, और एनीमिया के जो भी सिम्टम्स हैं, फेटिगेबिलिटी, इरेटेबिलिटी, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं। तो न्यूट्रिशनल एनीमिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि WHO के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये प्रॉपर एनीमिया डेवलप होने से पहले प्री लैटेंट और लैटेंट दो स्टेज से गुजरता है। लैटेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया ये लेबोरेटरी डेफिनेशन है जिसमें आयरन की डिफिशियंसी विदाउट एनीमिया देखी जाती है। तो लैटेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, जिसमें लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं, आयरन डिफिशियंसी है लेकिन एनीमिया का पिक्चर नहीं होगा। तो लैटेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का सही मतलब क्या हुआ, लैब के अकॉर्डिंग अगर देखें तो क्या होगा, आयरन का स्टोर घटा हुआ होगा लेकिन हीमोग्लोबिन नॉर्मल लिमिट्स में होंगे। क्या मतलब, आयरन का स्टोर कम हो रहा है लेकिन हीमोग्लोबिन पर अभी कोई फर्क नहीं है, हीमोग्लोबिन का लेवल नॉर्मल है, इसीलिए से लैटेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए उन रेगुलेटर्स के बारे में जो आयरन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। तो यहां पर आयरन का स्टोर घटा हुआ है, इस वजह से हम इसको लैटेंट आयरन डिफिशियंसी एनीमिया कहते हैं। अब मास्टर रेगुलेटर की जो बात हो रही है, आयरन का ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होगा, उसका एब्जॉर्प्शन कौन कैसे होगा, उसको कैसे रेगुलेट करने वाले फैक्टर्स काम करते हैं, उन सारी चीजों को एक बार देख लें तो यहां पर हम समझ पाएंगे कि गट के ल्यूमेन में किस तरीके से, तो इसे एब्जॉर्ब करने के लिए DMT1 आप देख सकते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं जो इसे एब्जॉर्ब कराते हैं। इसके द्वारा आप देखेंगे आयरन हो गया या फिर कॉपर हो गया या फिर लेड, ये सारे के सारे इसके द्वारा एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एपिकल पार्ट में ये होता है, ये एपिकल पार्ट है, ये बेसो लेटरल पार्ट है, आप देखें ये बेसल पार्ट में। यहां पर एक और ट्रांसपोर्टर है जिसका नाम है फेरोपोरेटिन, इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ, फेरोपोरेटिन होता है। ये फेरोपोरेटिन के द्वारा यहां पर आएगा, लेकिन आप देखेंगे ये फूड के फॉर्म में जब था तो Fe3+ ion के रूप में था, एब्जॉर्ब किया जाएगा Fe2+ ion के रूप में, तो इसको कन्वर्ट करके Fe2+ ion में बदला जाता है और उसके बाद इसको DMT1 इसको एब्जॉर्ब करता है। इसका पूरा डिटेल स्टडी हमने इसके पिछले लेक्चर में किया है तो इसलिए दोबारा इस पर बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर Fe2+ ion जो आयन है उसके द्वारा ये एब्जॉर्ब किया गया, DMT1 रिसेप्टर ने इसको एब्जॉर्ब किया, अंदर आने के बाद ये जो बेसल साइट पर जो एक रिसेप्टर है फेरोपोरेटिन, उसके द्वारा ये अंदर आएगा और यहां पर एक और हेफेस्टिन एक यहां पर कन्वर्टर होगा जो इसको दोबारा अस को इक में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये फेरिक फॉर्म में ही जाएगा
और ये आगे सर्कुलेट होगा। सर्कुलेशन के समय कितना सर्कुलेट हो रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर हेपेसिडिन होता है, हेपेसिडिन यहाँ पर होता है। आगे हम इसमें बात करने वाले हैं कि जब आयरन की डिफिशियंसी होता है तो हेपेसिडिन का जो लेवल है वो क्या किया जाएगा। तो हेपेसिडिन तब ज्यादा सिक्रेट होता है जब आयरन का एब्जॉर्प्शन सफिशियंट अमाउंट में होगा। अगर आयरन की कमी है तो लीवर इसे कम बनाता है। ये निगेटिव रेगुलेटर है। ये क्या है? निगेटिव रेगुलेटर है। ये एक्चुअल में आयरन की जब सफिशियंट अमाउंट रहती है तो आयरन का एब्जॉर्प्शन न होने पाए इसकी कोशिश करता है। जब आयरन की डिफिशियंसी होती है तो लीवर इसे कम बनाता है। लीवर कम बनाएगा कब? जब बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी और हेपेसिडिन की मात्रा उस समय कम कर दी जाती है। अब आयरन की कमी होगी तो हेपेसिडिन की मात्रा कम कर दी जाती है और हेपेसिडिन की कमी होने पर निगेटिव रेगुलेशन अब नहीं होगा। ड्यूडेनम के लेवल पर एब्जॉर्प्शन बढ़ा दिया जाएगा, ड्यूडनम के लेवल पर यह हो जाएगा और स्प्लीन में जो आयरन का स्टोर होगा वो भी सर्कुलेशन में भेज दिया जाएगा और आयरन का कंसंट्रेशन प्लाज्मा में बढ़ेगा। इसके कारण धीरे धीरे करके जो आयरन का बैलेंस है वो पूरी तरीके से मेंटेन हो जाएगा। तो इसी वजह से हमें आयरन के जो मास्टर रेगुलेटर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना हेपेसिडिन, हेपेसिडिन के नाम से पता हो, इसके नाम में छुपा हुआ ना हैप, हैप का मतलब हिपैटिक, हिपैटिक मतलब लीवर में ही सिंथेसाइज होता है। कब ज्यादा सिंथेसाइज होता है? जब आयरन ज्यादा मात्रा में या सफिशियंट मात्रा में होता है। तो आयरन ज्यादा ना आवश्यकता से ज्यादा ना एब्जॉर्ब होने पाए तो ये निगेटिव रेगुलेशन रखता है, ये इनवर्स रिलेशन रखता है आयरन के मेटाबॉलिज्म से। अगर आयरन सफिशियंट मात्रा में है तो ये कम बनेगा, अगर आयरन का मेटाबॉलिज्म कुछ इस तरीके से समझे आयरन की कमी है तो ये भी कम हो जाएगा, समझ रहे? और अगर आयरन का मात्रा ज्यादा है तो ये इसको उस पर निगेटिव रेगुलेशन रखता है। कुछ इस तरीके से रखेगा कि हेपेसिडिन की मात्रा अगर बढ़ जाएगी तो क्या करेगा, ये आयरन का एब्जॉर्प्शन, मतलब ये कि आयरन के मेटाबॉलिज्म पर जो इनवर्स रिलेशन रखता है वो इस तरीके से रखेगा कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम करा देगा, आयरन का मेटाबॉलिज्म घटा देगा। आयरन का मेटाबॉलिज्म घटाने का मतलब क्या? जैसे स्प्लीन में देखिए स्टोर था उसको निकलने नहीं दे रहा था जब तक इसकी मात्रा ज्यादा होती, लेकिन जब आयरन की डिफिशियंसी होती तो हेपेसिडिन कम होता है, स्प्लीन से स्टोर उसका रिलीज कर दिया जाता, तो आयरन का मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। आयरन जो अपने स्टोरेज साइट से निकल सकते थे अगर हेपेसिडिन ज्यादा होगा तो वो निकलने नहीं देता है, बात समझ रहे? तो ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन अगर हेपेसिडिन की मात्रा कम हो जाती है तो ये सारी चीजें अपोजिट ऑर्डर में काम करने लगती हैं। तो हेपेसिडिन का इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया और यहीं पर सवाल ये भी पूछा जाता है कि फूड में जब ये किस फॉर्म में रहते हैं आयरन और मेटाबोलाइज कैसे होते हैं। तो आयरन का मेटाबोलिज्म जिसके द्वारा ये एब्जॉर्ब किया जाए, तो ध्यान रखना है फूड में ये फेरिक फॉर्म में हो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एब्जॉर्ब केवल और केवल फेरस फॉर्म में ही कराया जा सकता है। तो किस फॉर्म में आयरन एब्जॉर्ब होगा? फेरस फॉर्म में। मोस्ट कॉमन साइट क्या होता है? प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम, प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का प्रॉक्सिमल ड्यूडिनम वाले पार्ट में ये एब्जॉर्ब कराया जाएगा और वो फैक्टर जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम करते हैं उसके बारे में भी पता होना चाहिए। एज ए डॉक्टर हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वो फैक्टर जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएंगे उनके लिए हमें किसी प्रेगनेंसी के मामलों में जब पेशेंट को गाइड करना होता है तो हमें बताना होता है कि आयरन का एब्जॉर्प्शन किस मामले में अच्छे तरीके से होगा। तो हम अक्सर पेशेंट्स को एज ए डॉक्टर हमें प्रमोट करना चाहिए कि जब कभी भी आयरन या फोलिक एसिड के जो टैबलेट्स लेते हैं वो विटामिन सी या नींबू पानी के साथ लें। इसलिए आपने देखा होगा पीएचसी की सप्लाई पर विटामिन सी के टैबलेट्स दिए जाते हैं, सिट्रिक एसिड के टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए एसिडिक पीएच या फिर विटामिन सी की मात्रा में आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ता है जबकि अल्कलाइन पीएच इसे घटाते हैं। फाइटेट, टैनिट्स, टैनिट्स मीन्स कहां पर मिलेगा? फाइटेट्स ये टी में कॉफी में ये मिलते हैं तो उनके कारण आयरन का एब्जॉर्प्शन घटता है। आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रेक्टोमी जैसे मामले में जहां एसिडिक पीएच कम हो जाता है क्योंकि स्टमक का कुछ हिस्सा अगर सर्जिकली रिमूव किया गया है तो आयरन का सप्लीमेंट पेशेंट को देना चाहिए क्योंकि आयरन का एब्जॉर्प्शन कम होगा, एसिडिक पीएच हो सकता है इसको प्रभावित करे, तो इसीलिए आयरन सप्लीमेंट देना पड़ता है। फिर मैंने आपको बताया फूड में कुछ ऐसे कंटेंट्स जैसे फाइटेट्स या फिर टैनिट्स ये या फिर ऑक्सलेट्स या फिर मिल्क, इसलिए कहा जाता है दूध के साथ कभी भी आयरन फोलिक एसिड का टैबलेट्स पेशेंट को हम या फिर किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को रेकमेंड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मिल्क के साथ दिए जाने पर आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं होता है। अब सवाल यह है कि आयरन मान लिया फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है लेकिन बाद में बॉडी में कैसे सर्कुलेट होगा, बाद में बॉडी में ये कैसे सर्कुलेट होगा और कैसे स्टोर होगा? तो एब्जॉर्प्शन तो फेरस फॉर्म में होता है लेकिन
फिर इसको फिर से दोबारा फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। कैसे, अभी मैं इमेज में आपको दिखाऊंगा, पहले भी बता चुका हूं, उस चीज को रिकॉल करना है, उसी चीज को अभी मैं बताऊंगा। तो इसको दोबारा फेरिक फॉर्म में बदला जाता है और ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के लीवर, स्प्लीन या बोन मैरो में स्टोर कर दिया जाता है। किस फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। कैसे एब्जॉर्ब होगा, अब उसको एक सिंप्लीफाइड इमेज के माध्यम से ड्यूडेनम के एक सेल का कल्पनात्मक हम इमेज बनाएंगे और उसके माध्यम से यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये एपिकल पार्ट मैंने भी आपको दिखाया था, बेसल पार्ट है, बेसोलेट्रल पार्ट के रूप में मैंने भी आपको इमेज में डिस्कस किया था। यहां पर कुछ ट्रांसपोर्टर है, डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर 1, ये आयरन को एब्जॉर्ब कराता है और किस रूप में एब्जॉर्ब कराएगा, Fe2+ आयन के रूप में। चाहे Fe3+ फॉर्म में भी हो तो भी हमें उसे कन्वर्ट करना पड़ता है। कॉपर आयन हो, लेड आयन हो या फिर कैडमियम आयन हो, ये जितने भी हैं ये एपिकल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल से एब्जॉर्ब हो सकते हैं और ये नॉन स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर है। ये नॉन स्पेसिफिक इसलिए किसी भी तरीके के डाइवेलेंट मेटल को ये ट्रांसपोर्ट करा सकता है, इसलिए कहा गया नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन ट्रांसपोर्टर है और यही आयरन को भी एब्जॉर्ब कराएगा। ये DMT1 है। अब जब ये एब्जॉर्ब हो गया तो इसे दोबारा फेरिक फॉर्म में बदला जाता है। इसी में से कुछ जो फेरिक फॉर्म होगा वो इसमें से कुछ फॉर्म जो होता है वो शेड ऑफ कर दिया जाता है। यहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि किस तरीके से बॉडी में अगर हमारा आयरन का स्टोर फुल है तो क्या होगा, हेप्सिडिन की सिंथेसिस की जाएगी। किसकी, हेप्सिडिन की सिंथेसिस की जाती है और ये ड्यूडेनम में रेगुलेट करता है। कैसे, आपको पता ना आयरन एब्जॉर्ब होता है DMT1 रिसेप्टर के द्वारा, फिर यहीं पर मैंने आपको बताया था ना कि ये फेरेटिन के फॉर्म में लोकली स्टोर रहेगा और अंदर अगर जरूरत पड़ा तो ये फेरोपोर्टिन के द्वारा यहां पर अंदर की ओर एब्जॉर्ब किया जाएगा और यहीं पर होता है हेफेस्टिन। हेप्सिडिन अलग है, हेफेस्टिन अलग है, तो वो इसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। फिर यहां पर हेप्सिडिन जो है अंदर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मैं सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि यहां पर एंट्रोसाइट्स में जो फेरेटिन है ना वो एंट्रोसाइट्स के डाई होने के साथ ही तमाम ऐसी मात्रा होगी जो बाहर निकल जाती है। फेरोपोर्टिन अगर डिग्रेडेड हो गया या मतलब आप समझ लीजिए कि यहीं पर कुछ शेड ऑफ हो जाएगा। इस बात को पिछले लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया है तो इसलिए यहां ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको समझने का। आपने अगर हमने नॉन वेजिटेरियन सोर्स लिया, वेजिटेरियन में तो प्रॉब्लम होती है, नॉन वेज सोर्स लिया तो डायरेक्ट हमें हिम आयरन का कंपोनेंट मिल जाएगा। आप देखें डायरेक्ट हमें हिम आयरन मिल जाएगा जिसको डायरेक्टली हिम ट्रांसपोर्टर के द्वारा लिया जा सकता है। लेकिन अगर फूड में, वेजिटेरियन सोर्स में नॉन हिम आयरन अगर है तो वो जनरली फेरिक फॉर्म में होगा। अब इसको कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था ना कि यहां कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये फेरस फॉर्म में एब्जॉर्ब हो पाएगा। तो ड्यूडेनल साइटोक्रोम बी इसे कन्वर्ट करता है फेरस फॉर्म में और उसके बाद DMT1 ट्रांसपोर्टर इसे अंदर लेते हैं। नॉन स्पेसिफिक है ये भी मैंने आपको बताया और यहीं पर म्यूकोसल फेरेटिन के रूप में ये स्टोर कर लिया जाता है। थोड़े फॉर्म में यहीं पर स्टोर रहेगा, इस पर बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है और यहीं से कुछ मात्रा में ये शेड ऑफ हो जाता है जब ये एंट्रोसाइट्स समाप्त होंगे। लेकिन अगर इसको ब्लड के सर्कुलेशन में भेजना है तो फेरोपोर्टिन होते हैं, फेरोपोर्टिन फेरस फॉर्म को लेकर के आए और उसके बाद हेफेस्टिन क्या करता है, इसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है और ये फेरिक फॉर्म में ट्रांसफेरिन के सरफेस पर जाकर के जुड़ जाते हैं और ट्रांसफेरिन इसको ब्लड के सर्कुलेशन में लेकर के जाएगा। कहां कहां, एरिथ्रो जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम होगा वहां तुम्हारा लेकर के जाएगा, जैसे एरिथ्रॉइड मैरो में लेकर के जाएगा, लीवर में लेकर के जाएगा, स्प्लीन में लेकर के जाएगा, जहां जहां जरूरत होगी वहां वहां पहुंचाने का काम करेगा। यहीं पर मैंने आपको बताया कि ये जो म्यूकोसल फेरेटिन है ये शेड हो जाता है जब एपिथेलियल सेल्स लॉस्ट होते हैं। तो आपको पता ना शेडिंग के साथ ही यहां पर जो फेरेटिन का पार्ट है वो शेड ऑफ हो जाएगा और ये फेरस जो फॉर्म है ये फेरोपोर्टिन के द्वारा ये यहां पर एब्जॉर्ब करके अंदर की ओर आएगा, बेसल पार्ट की ओर आएगा और यहीं पर इसको फेरिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है, हेफेस्टिन होता है। हेफेस्टिन क्या करेगा, इस फेरस को फेरिक में बदल देता है। ये चीज मैंने अभी आपको बताया, फेरस को फेरिक में बदलेगा और ये फेरिक अब फॉर्म जो है ये ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है ट्रांसफेरिन के द्वारा। तो ट्रांसफेरिन सवाल पूछा जाता है किस शेप का होता है, वाई शेप का होता है और एक ट्रांसफेरिन कितने फेरिक आयंस को ट्रांसपोर्ट कैरी कर सकता है, तो ये वाई शेप का होता है, ट्रांसपोर्ट कर सकता है 2 फेरिक आयंस को और यहां से ये बोन मैरो में पहुंचते हैं, वहां पर ये पहुंच करके यूटिलाइज होंगे, लीवर में जाकर के ये स्टोर हो सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था कि फेरोपोर्टिन वाले लेवल पे जहां से ये अंदर बेसल पार्ट में आए और वहीं से हेफेस्टिन ने इसको फेरिक फॉर्म में लाया, फिर ट्रांसफेरेटिन इसको लेकर के आया, फिर ट्रांसफेरेटिन ने इसको बोन मैरो के लेवल तक पहुंचा दिया। बोन मैरो के लेवल पर मान लीजिए 2 फेरिक आयन जो मिले हैं ये क्या करते हैं, ये जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनके द्वारा आयरन
का ये फेरिक फॉर्म एब्जॉर्ब किया जाएगा, उसके पास अपने रिसेप्टर्स होते हैं और जितने की आवश्यकता होती है उतने को ले लेगा ट्रांसफेरिन के द्वारा, बाकी सभी को ये रिलीज कर देता है फेरेटिन के रूप में। तो इसमें जो फेरेटिन, सीरम फेरेटिन का जो हम लेवल हम चेक करने का प्रयास करते हैं, सीरम फेरेटिन का लेवल वो स्टोर आयरन के बारे में बताने का की जानकारी देता है। अगर स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में हो रहा है तो इतनी मात्रा लगभग हमारी बॉडी में पेरिफेरल स्मियर में आपको मिलेगी ही मिलेगी, तो मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन अगर सफिशिएंट मात्रा में सीरम फेरेटिन का लेवल है तो इससे आइडिया लग जाता है कि प्रॉपर एब्जॉर्प्शन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, एरिथ्रोब्लास्ट के लेवल तक रिसेप्टर्स ने भी प्रॉपर ले लिया, जो बच जा रहा है वही बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। आपको मैंने बताया ना कि यहां पर चेक करने के लिए हेप्सिडिन काम करता है, हेप्सिडिन वहां पर काम करता है और वहां पर एक बार रेगुलेट किया गया और उसके बाद जितनी जरूरत है उतना ही लिया जाता है, एरिथ्रोब्लास्ट ने उसको लिया और जो बच गया वो फेरेटिन यहां पर पेरिफेरल ब्लड में है। सीरम फेरेटिन का लेवल इसीलिए हम चेक करते हैं, अगर सीरम फेरेटिन का लेवल कम हो रहा है इट मींस क्या है कि ब्लड में आयरन का सर्कुलेशन सफिशियंट मात्रा में नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण पूरी तरीके से एरिथ्रोब्लास्ट ही नहीं ले पा रहे हैं, इसके कारण सीरम में फेरिक आयन्स कम है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है। लैब फाइंडिंग की बात करें तो अर्लीस्ट एंड मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग क्या होता है, तो इसमें सीरम फेरेटिन का लेवल डिक्रीज करेगा अगर आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छी तरीके से नहीं हुआ है, कारण कोई भी हो, या न्यूट्रिशनल हो या एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो या फिर कोई भी कारण हो, उसमें सबसे सेंसिटिव फाइंडिंग सीरम फेरेटिन का कम होने से हमें अंदाजा लग जाता है। इतना ही नहीं, अगर मान लीजिए आयरन की कमी हो रही है तो सीरम फेरेटिन का लेवल तो कम होगा ही, इसके अलावा ट्रांसफेरेटिन कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा जो भी अवेलेबल है उसको ट्रांसपोर्ट करने का। तो ये ट्रांसफेरिन, माफ कीजिए अगर मैंने ट्रांसफेरेटिन बोल दिया तो उसको भूल जाएगा, ट्रांसफेरिन कहते हैं। ट्रांसफेरिन जो होता है ये आयरन की बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में हमें जानकारी देता है। थोड़ा सा अगर स्लिप कर गया है, टंग स्लिप हो गया तो उसके कारण प्लीज, ट्रांसफेरिन होता है ये। तो ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ जाएगा अगर आयरन की कमी हो रही है तो कोशिश करेगा जितना भी हो सके एरिथ्रोब्लास्ट तक पहुंचाया जा सके, इसलिए ट्रांसफेरिन का लेवल ज्यादा होगा। अगर आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी ज्यादा होगी तो ट्रांसफेरिन का लेवल ज्यादा होगा ही होगा। ट्रांसफेरिन बढ़ा हुआ है तो इससे पता चल जाता है कि आयरन को ज्यादा से ज्यादा बांधने की और उसे ट्रांसफर करने की कोशिश किया है, क्योंकि एरिथ्रोब्लास्ट ने बोल रखा है कि हमें कम हो रहा है, तो ट्रांसफेरिन का लेवल ज्यादा है लेकिन अवेलेबिलिटी कम है। तो आप समझ सकते हैं आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का मामला आपको समझ में आ जाएगा। तो ट्रांसफेरिन का लेवल आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के मामलों में क्या होगा, ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि आयरन की कमी है, वो जितने भी है उसको बाइंड करने की कोशिश में ट्रांसफेरिन का लेवल बॉडी बढ़ाने का प्रयास करेगी, तो ट्रांसफेरिन का लेवल हाई है। लेकिन अगर आयरन कम है, आयरन फेरस फॉर्म ही कम है तो फेरिक फॉर्म भी कम होगा, और अगर फेरस फॉर्म कम है तो फेरिक फॉर्म कम होगा तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए फेरिक फॉर्म अवेलेबल कम होंगे और जितने भी हैं सबको पकड़ने की कोशिश में ट्रांसफेरिन का लेवल बढ़ जाएगा। तो आप समझ सकते हैं अवेलेबिलिटी कम है, तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब कभी भी आयरन की डिफिशियंसी है ट्रांसफेरिन का लेवल तो बढ़ा हुआ होगा लेकिन सेचुरेशन ऑफ ट्रांसफेरिन डिक्रीज हो जाता है, वो सेचुरेट नहीं हो पा रहा है क्योंकि अवेलेबिलिटी जिसको हम ज्यादा स्पेसिफिकली कहें तो अवेलेबिलिटी कम होने के कारण ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन कम हो रहा है। और ऐसे मामलों में जो नेगेटिव रेगुलेटर था जिसके बारे में मैंने बताया हेप्सिडिन, उसका लेवल हेप्सिडिन का लेवल भी डिक्रीज कर दिया जाएगा, तो ये बात पता होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि सीरम फेरेटिन काफी स्पेसिफिक है, अगर हम कहें मोस्ट सेंसिटिव और अर्लीस्ट फाइंडिंग आयरन डिफिशियंसी के लिए, अगर हमें चेक करना है आयरन की डिफिशियंसी है तो मोस्ट सेंसिटिव आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के लिए अर्लीस्ट और मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग क्या हो सकती है, सीरम फेरेटिन का लेवल कम होना। लेकिन अगर इन्फ्लामेशन है, बात ध्यान से समझिएगा, इन्फ्लामेशन है तो उस समय सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो अभी मैंने जो आपसे एक स्टेटमेंट बोला कि सीरम फेरेटिन काफी सेंसिटिव होता है, मोस्ट सेंसिटिव फाइंडिंग होती है, सबसे पहले सीरम फेरेटिन का लेवल ही घटता है, उससे हम अंदाजा लगा सकते, जल्दी से जल्दी अंदाजा लगा सकते कि आयरन की डिफिशियंसी। लेकिन अगर इन्फ्लेमेशन है तो सीरम फेरेटिन का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। इतना ही नहीं, कोई भी इन्फ्लेमेशन का केस, जैसे टीबी का पेशेंट है, तो उसमें आप सीरम फेरेटिन के लेवल की मदद से आप नहीं कह सकते हैं। ऐसे लीवर में हेपेटाइटिस का कोई मामला है, इन्फ्लेमेशन है, तो आप सीरम फेरेटिन के लेवल से आयरन डिफिशियंसी का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, आप नहीं कर सकते हैं कि ऐसा है। तो ऐसे मामलों में हम कैसे पता करेंगे, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या हो सकता है? अगर मान लीजिए इन्फ्लेमेशन जैसे मामलों में सीरम फेरेटिन हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन क्या होगा? तो हम बोन मैरो की बायोप्सी करेंगे और
स्पेशल स्टेन के द्वारा कलर करके देखने की कोशिश करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि कब कब आयरन की कमी होती है, तो कुछ तो फिजियोलॉजिकल स्टेट है, जैसे बच्चों का ग्रोथ हो रहा है या प्रेगनेंसी के मामलों में आयरन की कमी होती है, आवश्यकता ज्यादा है, ब्लड का लॉस, मिनोरेजिया, या फिर कई बार ऐसा होता है इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के मामलों में ब्लड का लॉस होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज, जीआई मैलिग्नेंसीज, ब्लड डोनेशन, तो ऐसे मामलों में ब्लड का लॉस होता है। पुअर इंटेक कर रहे हैं, अवेलेबिलिटी आपने कम कर दी, वेजिटेरियन सोर्स से आप ले रहे हैं, पुअर एब्जॉर्प्शन है, जैसे मैंने भी आपको बताया था ना, गैस्ट्रेक्टोमी, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, गर्ड के मामलों में एच पायलोरी का इन्फेक्शन है, या एंटासिड्स ले रहे हैं, मैंने अभी आपको बताया था ना, एसिडिक पीएच पर बेहतर तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है, तो अगर आपने एंटासिड्स ले लिया फिर तो प्रॉब्लम है। इसी तरीके से हाई कैफीन कंजप्शन कर रहे हैं, सिलिएक डिजीज, जिसमें मैंने बताया ड्यूडनम की जो म्यूकोसल लेयर होती है वो प्रभावित होती है, पैरासिटिक इन्फेक्शन होने पर भी आयरन अवेलेबल कम होता है। तो मोस्ट सेंसिटिव क्या होगा इंडिकेटर, फेरेटिन का लेवल, सीरम फेरेटिन का लेवल पुरुषों में मेल्स में 40-300 होता है और वुमेन में 20-200 होता है, आयरन डिफिशियंसी में लेस देन 10 हो जाता है, तो इससे हमें काफी आसानी से पता चल जाता है। लेकिन धीरे धीरे करके होगा क्या कि कई सारे इन्फेक्शियस मामले होंगे जहां पर सीरम फेरेटिन से आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन अगर इन जनरल बोला जाए तो सीरम फेरेटिन सबसे पहले प्रभावित होता है। आप देखें डिप्लेशन ऑफ स्टोरेज ऑफ आयरन इन लीवर, बोन मैरो एंड मसल्स, प्री लेटेंट मामले में क्या होता है, प्री लेटेंट मामलों में सीरम फेरेटिन का लेवल कम होता है और ट्रांसपोर्टर अब बढ़ाए जाने लगेंगे, सीरम में आयरन की कमी हो रही है, अब टीआईबीसी है ना, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी या ट्रांसफेरिन का लेवल हाई कर दिया जाएगा, अभी मैंने इसी को बताया था, लेटेंट फेज में ये बढ़ेगा। तो सबसे पहले और ज्यादा सेंसिटिव कौन है, सीरम फेरेटिन, उसके बाद ट्रांसफेरिन, और ये आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बारे में बताता है, चूंकि अभी हमने आपके बताया कि ये चीज होती, और आगे चल करके जब आयरन डिफिशियंसी जब हो जाएगा तब तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो ही जाएगी, ये बात हमें समझ में आया। यहाँ पर देखिए नॉर्मल सिचुएशन है, ये आयरन की डिप्लीशन का स्टेट है, ये आयरन की डिफिशियंसी का स्टेट है, और ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया का स्टेट है। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर नॉर्मल सिचुएशन है तो स्टोरेज भी ठीक होगा, ट्रांसपोर्ट भी ठीक हो रहा होगा धीरे धीरे करके, और जो आरबीसी के भीतर या हीमोग्लोबिन का जो प्रॉपर सिंथेसिस वो भी हो रहा होगा। आप देखें सेचुरेशन कम होने लगा धीरे धीरे करके, और एनीमिया के मामलों में कैसे होगा, सीरम आयरन की मात्रा भी कम होने लगी, ये भी मैंने अभी आपको बताया, और मैंने आपको बताया ना सीरम फेरेटिन का लेवल हम चेक करते हैं सबसे पहले, उसके बाद ट्रांसफेरिन का लेवल। मैंने आपको बताया कुछ ऐसी भी कंडीशन होती है जहां पर आप बहुत क्लियरली नहीं कह पाते हैं, तो वहां पर हम बोन मैरो की बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड, जहां पर कमी है वहां पर जाकर डायरेक्टली देखिए, और ऐसे मामलों में पॉल प्रशियन ब्लू स्टेनिंग के द्वारा हम देखने की कोशिश करते हैं। बोन मैरो की बायोप्सी का एक आपको स्लाइड दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हैं आयरन को, और उसको देखने के लिए स्पेशल स्टेन की मदद ली गई है, पर्ल प्रशियन ब्लू स्टेन। इसके बाद एक सवाल यह भी है कि यहीं पर जो सीरम ट्रांसफेरिन है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लें, मैंने भी आपको बताया भी था और दिखाया भी, उसी चीज को एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि ये एब्जॉर्ब आयरन को जो डिपॉट्स में होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट करता है कहां पर, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स के पास, एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स तक ले जाकर के, या जो एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वहां तक ले जाकर के पहुंचाने की कोशिश करता है, और इसको रेटिकुलोसाइट्स तक पहुंचाने का प्रयास करता है। आप समझ सकते हैं बोन मैरो तक ले जाने का सीधे तौर पर प्रयास कर रहा है, जो भी आरबीसी के जो बनाने वाली जो सेल्स होंगे, जो उसके प्रोजेनिटर सेल्स होते हैं वहां तक आयरन पहुंचे, इसकी जिम्मेदारी ट्रांसफेरिन की होती है। ये बनता कहां पर है ट्रांसफेरिन, ये लीवर में बनता है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आप देख सकते हैं, और ये कितने आयरन बांध सकता है ये भी आपको आप देख सकते हैं, डेटा याद नहीं करना है, ट्रांसफेरिन का एस्टिमेशन किया जाता है, इसको आप छोड़ दें। इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, आपको पता है ना कि मैंने आपको बताया ट्रांसफेरिन का लेवल अगर बढ़ रहा है इसका मतलब सीरम में आयरन की कमी है और ये आयरन डिफिशियंसी के स्टेट में होता है। अगर ट्रांसफेरिन का लेवल कम हो रहा है तो संभव है कि लीवर इस तरीके के बीटा ग्लोबुलिन प्रोटीन को बना ही न रहा हो, ट्रांसफेरिन को लीवर प्रोड्यूस नहीं कर रहा, या फिर इस प्रोटीन का लॉस हो रहा हो जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम में होता है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के जो पिक्चर होंगे उसका कारण एक ये भी होता है कि ये प्रोटीन है जो कि लॉस होता रहता है, ट्रांसफेरिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है नॉर्मली प्रेगनेंसी के लास्ट टर्म में। अब हम यहां पर नेक्स्ट लेक्चर में जो डिस्कस करने वाले हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज और उससे पहले जो आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है उसके बीच में एक कंपैरिजन हम करने की कोशिश करेंगे यहां पर। तो ये है अनीमिया इन क्रोनिक डिजीज, तो उसको हम कैसे कंपैरिजन बनाने की कोशिश करेंगे उसको ये देखा जा सकता है यहां पर, और इसमें दो
स्पेशल हमने प्रॉब्लम्स को एक साथ कंपैरिजन करने की कोशिश की है। जैसे सीरम आयरन की मात्रा आयरन डिफिशियंसी में कम होती, सीरम फेरेटिन की मात्रा भी कम होती, ट्रांसफेरिन और टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ये सारी चीजें हैं, और मैक्सिमम लीवर बनाने की कोशिश करता ट्रांसफेरिन को। लेकिन अगर क्रॉनिक डिजीज का मामला है, क्रॉनिक डिजीज जैसे ट्यूबरक्लोसिस जैसे मामले होंगे, तो उसमें क्या होगा, सीरम फेरेटिन बढ़ जाता है। इसलिए मैंने आपसे कहा था ना कि सीरम फेरेटिन का मामला अगर क्रॉनिक डिजीज है, ट्यूबरक्लोसिस है, तो उसमें बढ़ा हुआ होगा। इतना ही नहीं, आप देख सकेंगे कि सीरम फेरेटिन का लेवल भी बढ़ा हुआ होगा, ट्रांसफेरिन का लेवल यहां पर घटा दिया जाता है। क्यों? बॉडी प्रोड्यूसेस लेस ट्रांसफेरिन बट मोर फेरेटिन। ऐसा क्यों? ताकि आयरन को पैथोजन से दूर रखा जा सके, क्योंकि पैथोजन अगर लोकल किसी साइट पर स्टोर्ड है तो ब्लड में फेरेटिन सर्कुलेटेड रहे, पैथोजन के आसपास न रहने पाए, इसलिए ट्रांसफेरिन का लेवल कम कर दिया जाता है। और ऐसा आप समझ सकते हैं कि पैथोजन से दूर रखने के लिए आयरन को बॉडी ने ऐसा अडॉप्ट करता है। और इसमें हेप्सोडिन का भी अपना रोल होता है, हेप्सोडिन का मात्रा बढ़ जाती है जब एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज का मामला होता है। और आपको पता है ना, ट्रांसफेरिन सेचुरेशन यहां घटा हुआ होता है, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज में ट्रांसफेरिन का सेचुरेशन नॉर्मल रहता है।